गाइस यार थोड़ा और पास चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये मोर डरता है या नहीं। ओ भाई ये देखो फीमेल पिकॉक बिल्कुल हमारे घर पे बैठी है और अब ये उड़कर हमारे किचन के ऊपर आ गई है और भाई इससे मिलने के लिए एक मोर भी आ गया है। गाइस आप देख सकते हो वहाँ पर कितना सुंदर मोर आया है हमारे आंगन में। जो पत्थर है और एक कटा हुआ पेड़ रखा है सूखा, उसके ऊपर अभी फिलहाल मोर बैठा है। और गाइस मुझे लगता है ये जो पास वाला पेड़ है मोर उस पर जाके बैठने वाला है। लेट्स सी यार मोर क्या करता है। लेकिन गाइस आप देख सकते हो कितना सुंदर मोर है यार। दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ यार आपको, और आपने 250 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए लास्ट व्लॉग में, इसलिए थैंक यू सो मच यार। और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, 300 भी करा दो यार। गाइस आप देख सकते हो मोर मेरे आंगन में खड़ा है। ये देखो गाइस ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है और वहाँ पर मोर बैठा है। देख सकते हो और कितना सुंदर है गाइस। आज रिकॉर्डिंग के समय सिर्फ एक ही मोर आया है, वरना डेली यहाँ पर 2 से 3 मोर आते हैं हमारे आंगन में और दाने भी खाते हैं। आप देख सकते हो यार कितना सुंदर मोर है वहाँ पर। अब कुछ ज़्यादा ही पास आ गए लगता है, अब उड़ जाएगा। हमारे गांव में आपको बहुत सारे मोर देखने मिलने वाले हैं। अब ये जंप मारने वाला है शायद। ये देखो यार कितना सुंदर है ये मोर। आई डोंट थिंक यार मोर से सुंदर कोई पक्षी हो सकता है, शायद इसीलिए ये इंडिया का नेशनल बर्ड है। देखो यार इंडिया का नेशनल बर्ड कितना सुंदर है, इसके पंख देखो यार। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे लग रहा है मोर पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो अगले वीडियो में मैं मोर को अपने हाथ में दाना खिलाने का चैलेंज लेने वाला हूँ यार। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो के लिए। गाइस आपको आवाज़ सुनाई दी पिकॉक की? आई डोंट नो यार कि आपको फ़ोन में पिकॉक की वॉइस सुनाई दे रही है या नहीं। तो गाइस यार थोड़ा और पास चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये मोर डरता है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो हम कितना पास आ गए हैं मोर के, लेकिन भाई अभी भी वो एकदम वहीं पे बैठा है, थोड़ा भी हिला नहीं है अपने पोजिशन से। गाइस ये देखो यार अब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं, बस ये रहा पेड़। और अगर हम बस अब थोड़ा सा पास में गए ना यार तो अब तो शायद ये पक्का उड़ जाएगा। लेकिन चलिए यार देखते हैं ये उड़ता है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो हम और भी कितना ज़्यादा पास आ चुके हैं यार मोर के। थोड़ा और थोड़ा और। ओ माय गॉड, तो गाइस हम नियरली मतलब भाई अब पेड़ के पास ही आ चुके हैं। और मोर ये देखो ऊपर वाली टहली पर बैठा हुआ है, लेकिन यार बिल्कुल भी नहीं डर रहा। आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है लेकिन मोर ऐसा का ऐसा ही बैठा है यार। आई एम सो हैप्पी यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी तरह से आपको पिकॉक दिखा पाऊँगा। हमारे आंगन में पिकॉक आते तो डेली है, लेकिन हम शूट करने के लिए जाएंगे तब तक वो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन गाइस दिस इज़ द बेस्ट पिकॉक यार, मतलब भाई ये उड़ रहा ही नहीं है यार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर पिकॉक है ये। आप देख सकते हो यार अब इसने थोड़ी पोजिशन चेंज कर ली है अपनी, वो उस वाली टहली पर बैठा था लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है। बस यार उड़ना नहीं चाहिए, थोड़ी देर और हम शूटिंग करते हैं इसकी। ओ शिट यार दोस्तों मोर हमारे पेड़ से उड़कर अब हमारे सामने वाले घर के ऊपर चला गया है यार, सो सैड। और अब ये उड़ने की तैयारी में, लेकिन भाई बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच माय डियर पिकॉक यहाँ पर आने के लिए और हमारे ऑडियंस को खुश करने के लिए। भाई आप लोग खुश हो गए, सब्सक्राइब कर दो यार, और बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं। और भाई 10-12 मिनट हो चुके हैं लेकिन मोर हमारे सामने वाले घर के वहाँ बैठा है। ओ भाई ये देखो फीमेल पिकॉक बिल्कुल हमारे घर पे बैठी है और अब ये उड़कर हमारे किचन के ऊपर आ गई है, और भाई इससे मिलने के लिए एक मोर भी आ गया है यहाँ पर। व्हाट अ सीन यार भाई, आज तो दिल खुश हो गया सच्ची में। देखो ये पक्का उड़ जाएगा, हम इसके थोड़ा पास जाएंगे तो ये उड़ जाएगा। और ये गया,
गाइस क्या आपने देखा वहाँ पर एक और पिकॉक आया था, यहाँ से उड़कर हमारे घर से उड़कर वो वहाँ पर हमारे किचन तक आया था। लेकिन भाई मैंने कहा ना पिकॉक्स बहुत डरते हैं, तो यार जैसे ही हम उसके पास कैमरा लेके गए वो उड़ गया। बट आई डोंट नो यार, यहाँ पर जो पिकॉक बैठा था वो हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। सो फ्रेंड्स आई होप यार आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पिकॉक को देखने में। यार पिकॉक को अपने कैमरे में कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही हम पिकॉक के पास में जाते हैं वो तुरंत उड़ जाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन गाइज ये पिकॉक बिल्कुल नहीं डरा, इसलिए हम उसको कैमरे में कैप्चर कर पाए। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको इतना अच्छा व्लॉग दिखा पाया। गाइज आपको ये वीडियो पक्का पसंद आया होगा यार, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और भाई यार चैनल पे नए हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलते रहे।